अनलिमिटेड खा सकते हो 70 रुपए भाई साहब। तो दोस्तों आज सैटरडे है और हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों को खाना है दाल बाफले, लेकिन हमको दाल बाफले नहीं मिले कहीं पर। विजयनगर में एक आशीर्वाद चल रहा था, वहाँ पे भी मिले। अभी हम लोग जा रहे हैं मुरली वाला पे, हो सकता है वहाँ मिल जाए, लेकिन सरवटे बच्चे में मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ जा नहीं पा रहे, दूर है और नवलखा पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुरली वाला पे, देखते हैं वहाँ दाल बाफले मिलते हैं कि नहीं। हम लोग खा पाते ही नहीं, कई बन चुके हैं और अभी तक भूखे वहाँ हम लोग की जान निकल रही है, दाल बाफले नहीं मिल रहे हैं। तो देखते हैं, हमारा बॉम्बे स्टेशन चौराहा है, सामने है मुरली वाला स्वीट्स, तो देखते हैं हमको दाल बाफले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यहाँ पे भी। तो टेस्टी दाल बाफले मिलते हैं हमने सुना है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी अपने को नसीब दाल बाफले। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आगे चलो, एक आगे आज हम दाल बाफले खा के रहेंगे भैया, कहीं ना कहीं आपको जरूर खिलाएंगे जैसे भी हो। नसीब नहीं हुआ दाल बाफले, आज हम निकले खाने लेकिन मिल ही नहीं रहे। मिल जाएंगे दाल बिस्किट। नहीं यार, दाल बाटी खानी है हम। और बाटी की तरह ही लगेगी, वो दाल से खपते कड़ी नहीं मिलेगी उसमें बस। और नहीं नहीं, दाल बाफले ही खाने आज। हम लोग 5-6 जगह घूम लिए, आज हमको दाल बाफले ही खाने। दाल बिस्किट अच्छे मिलेंगे आपको, एकदम बढ़िया। कहाँ पे? ये अपना पेट की हलचल खुला है, अपना जैन रेस्टोरेंट है चौराहे पे। हाँ, उससे 2-4 दुकान आगे जाके चलो देख लेते हैं। अभी सो दोस्तों हम लोगों ने 4-5 जगह ढूंढ लिया है, सैटरडे है, दाल बाफले कहीं नहीं मिले। अभी वो ट्राई करते हैं, लेकिन आज दाल बाफले को खाने हैं, कहाँ मिलेंगे वो देखते हैं। भूख के मारे जाने लग निकल रही है। चलिए, ये भैया ओम भैरव रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन संडे स्पेशल दाल बाफले। चलो नहीं मिलेगा यहाँ भी, नहीं संडे स्पेशल है यहाँ पे भी। तो यहाँ से भी हमको निराशा ही हाथ लगी है। दाल बाफला तो है भैया, दाल बाफले मिलेंगे, मिल जाएंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली भैया यहाँ आके हमको मिला है दाल बाफले, खुशी मना खुशी मना। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कम से कम 8-10 जगह घूम लिए, दाल बाफले नहीं मिल रहे आज, सब संडे स्पेशल संडे स्पेशल। तो फाइनली भैया मिल चुके हैं दाल बाफले और हम लोग खाएंगे यहाँ पे, देखते कैसा टेस्ट होने वाला है। तो ये कुछ है रेस्टोरेंट श्रीनाथ, किधर बैठना है? दाल बाटी भैया वहाँ बैठते, चलो। तो फाइनली हम लोगों को मिल चुके हैं दाल बाफले खाने को आज, बाकी सब जगह संडे को स्पेशल था। तो हम यहाँ का देखते हैं, टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसे दाल बाफले है। ये रेस्टोरेंट है आपका M9 पे, अगर आप जाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा आपका रोबोट स्क्वायर, इधर C21 मॉल। अब तो 159 ना, ये वाला लगाओ, ये टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कुछ भी मिल जाएगा खाने के लिए। दाल बाफले में मिलेगा क्या क्या आपको? बाफले मिलेंगे दो नग देसी घी में, दाल फ्राई, कड़ी, प्लेन राइस, बटर मिल्क, लड्डू, पापड़, सलाद, अचार। बाकी अगर आपको सस्ता खाना 99 में मिल जाएगा, उसमें दाल, दो बाटी, कड़ी, चावल, लड्डू और सलाद। तो अभी टेस्ट करते हैं, देखते हैं बाकी मेन्यू और भी कुछ मिल जाएगा सब कुछ आपको। एड्रेस आपको बता देता हूँ, इसमें होगा 87 सद्दा कॉलोनी MR9 रोड, ये मोबाइल नंबर है, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं भैया। श्रीनाथ रेस्टोरेंट 14 साल से जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है अब? थोड़ा अच्छा फीलिंग लग रहा है कि फाइनली मिलेगी? बस आ जाए, एंड टाइम में मना नहीं करते कि बोले नहीं यार खत्म हो। और आपको थोड़ा सस्ते में खाना है तो दाल चावल अगर खाने तो 49 में बस, और दो आलू के पराठे, दही, अचार, सलाद मिल जाएंगे 69 में। छोले भटूरे खाने हैं तो 99, पूड़ी मिल जाएगी 5 पूड़ी, चना मसाला, अचार, सलाद 99 भैया, बहुत कुछ है कॉम्बो में। तो वो सस्ते में आराम से आप खा सकते हो, सिंगल व्यक्ति अगर आप रहते हो तो, मतलब हॉस्टल से रहते हो या रूम से रहते हो तो आराम से खा सकते हो आके। थोड़े दाल बाफले इसके हिसाब से बोल रहे महंगे, बाकी देखते हैं टेस्ट और क्या क्वान्टिटी आएगी, वो सारी चीज़ समझेंगे। स्पेशल थाली 159, रेगुलर थाली 70 रुपये भैया, एक सब्जी, दाल, चावल, 5 तवा, तंदूर रोटी, सलाद, और टेबल पर अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड खा सकते हो 70 रुपये भाई साहब, अनलिमिटेड 70 रुपये में आपको यही मिलेगा। पंजाबी थाली भी मिल जाएगी, नॉन बास्केट थाली मिल जाएगी। सो फाइनली हमारे दाल बाफले आ चुके हैं भैया। में देख लो दाल, कड़ी, लड्डू, पापड़ या आई थिंक छाछ, राइस और सलाद और दो बाफले। भैया कैसा है? हाँ, ये टेस्टी
ठीक है भैया, मैं भी खाता हूँ, मेरे को भूख लग रही जोर से। भैया बताइए, इतनी मेहनत करी अपने दाल वापले के लिए, मेहनत सफल रही? देखो भूख के नतीजे देखो आप, थाली में दाना नहीं छोड़ा भाई लोगों ने, और एंड में अपन खा रहे लड्डू। बाकी मज़ा आ गया भैया मेरे को खाने में, टाइम कभी ट्राई करेंगे यहाँ का वापस से। क्यों क्यों कैसा लगे? मतलब हम लोगों ने कम से कम, आज सैटरडे है तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि हमको आज दाल वापले खाने हैं, तो हम इतनी जगह कम से कम 5-6 जगह घूमे, दाल वाफले मिली ही नहीं। पूरा उधर विजयनगर से घूमते फिरते मैंने कहीं तो मिलेंगे, और आज दाल वाफले ही खाने मैंने कहा, तो यहाँ आके मिले तो मैंने कहा चलो ठीक है खाते हैं, और बाकी अच्छे लगे हमको, जैसे हमने सोचा था वैसे ही मिले। लोगों ने जो दाल वाफले खाए थे नीचे बेसमेंट में, और इनका एक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग देख रहे थे एक बार ऊपर चल के, तो किटी पार्टी बर्थडे पार्टी सब सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो ये फैमिली रेस्टोरेंट है जो कि उसके जस्ट ऊपर है। तो ये ऊपर में है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना हुआ, ये रिसेप्शन एरिया है, बाकी ये पूरा सीटिंग है, बहुत ही प्यारा बनाया है। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो इसके लिए पहले से डेकोरेट भी है, तो ये सब कुछ इस तरह से इंटीरियर है, अच्छा बना हुआ ऊपर भी। तो फैमिली के साथ अगर आए तो आप लोग यहाँ आके ऊपर डिनर वगैरह ट्राई कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको दाल वाफले खाने तो नीचे भी है भैया, आपको मिले जाएंगे, तो विजिट करें, आपको एड्रेस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।